तूने कुछ डिसाइड किया? किस बारे में? शाम को रहने का। तू बता क्या बनूं? तू रहने दे, अभी मुझसे पूछ रहे, बाद में उस पिंकी से पूछेगा। देख, इसे बोलते हैं दिल का कनेक्शन। नाम लिया और बंदी हाजिर। तू पैक कर, मैं भी आता हूँ। ओए, जल्दी आइयो, वरना मैं अंकल जी को बोल दूंगी। हाँ पिंकी, आज बोल ही डाल जो बोलना है। आंसू, अरे शादी मेरी बहन की और आंसू तुम भारी हो। मैंने तुमसे कहा था ना, अब तो मम्मी पापा ने लड़के वालों को भी बुला लिया है, शादी करके ही रहेंगे। क्या हुआ, कुछ कहोगे नहीं? हाँ मतलब इतनी जल्दी शादी क्यों? पता नहीं, बस मम्मी पापा ने कहा है हम तेरी शादी कर रहे हैं, पर ध्रुव मैं उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती। हाँ तो तुम्हें अपने मम्मी पापा से बात करनी चाहिए। करनी तो चाहिए, पर वो मेरी बात कभी नहीं मानेंगे। तुम मेरी जगह पर उनसे बात क्यों नहीं करते? मैं, तुम्हें लगता है वो मेरे बात करने से समझ जाएंगे? हमारे बात करने से ही समझेंगे। कोई बात नहीं, वो सगाई में शाम को आ रहे हैं, मैं उनसे वहीं बात कर लूंगा, ठीक है? हाय मैं मर जावा, सच में कितना प्यार करते हैं जी ये मुझसे। बाय गॉड, अब तो कोई डाउट ही नहीं रह गया। बस यही बात करनी थी। हाँ जी, यही बात करनी थी और कोई बात नहीं करनी थी। इसने तो रोमियो से डाकिया बना दिया, ऐसे तो मैं बस लोगों की जोड़ियां ही बनाता रहूंगा यार। कोई नहीं, अपना भी टाइम आएगा ध्रुव। अच्छा पिंकी, मैं चलता हूँ, वो सगाई के काम बीच में छोड़ के आ गया, शाम को मिलते हैं। मम्मी पापा। नमस्ते आंटी। क्या बात है, आज तो बड़ी सुंदर लग रही है। तो खुश हो आंटी जी? मेघा कहाँ है? बेटा वो अपने कमरे में तैयार हो रही है। रूप ध्रुव पुत्र, ओए जिसे मिलने आए हैं ना, वो तो पहले ही मिल गया। अंकल जी नमस्ते। ओए नमस्ते, छाड़ गले मिल जा। अच्छा भाजे। हाय पीछे भाजी, कितना सोना लग रही है, बिल्कुल रणबीर कपूर वर्गा है, जिंदा रहे। कपूर देगी मुंडे जी। अरे अंकल 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 जी, नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। अच्छा सुन, अपना और सुन, चॉकलेट पाउडर डालना ना भूलिए जी। आप बैठो जी, आपके लिए अच्छी वाली कॉफी लेके आता हूँ। अभी देखो कैसे शर्मा रही है। हाय मेघा रानी, मैं सबके जाऊं, इतनी प्यारी लग रही है, यही से पहले तुझे मेरी नजर ना लग जाए। अरे नहीं नहीं, जिससे दिल लगाया जाता ना उनकी नजर नहीं लगती। एग्जैक्टली, सही बोला। कैसी हो मेघा?
अच्छी हो। हाय कितना प्यारा मेकअप है। सुनो तुम अपने पार्लर वाले का नंबर ना मुझे भी देना, अपनी शादी में मैं उसी से मेकअप करवाऊंगी। पिंकी तू शादी कब है? मम्मी पापा ने कहा है कि इसी साल मेरी भी शादी करवा देंगे। ओहो पिंकी तू शादी कर रही है? कौन सा लड़का है मैडम? लड़का ऑलमोस्ट फाइनल है। वाओ इसका मतलब तो ये हुआ कि इसी साल में पूरे मोहल्ले की लड़कियों की शादी हो जानी है। डिंपी दी रेडी रहो, नेक्स्ट समर भी आपका ही है। नहीं नहीं मैं इतनी जल्दी कोई शादी वादी नहीं करने वाली। हाँ रहने दो, पापा जी ने ना आपकी भी शादी कराई देनी है। गिन्नी एक मिनट तुझसे जरा बात करनी थी। हाँ हाँ बोलना। यहाँ नहीं जरा बाहर चलना, बाहर चल के बात करते हैं। हाँ चल चलना। इसे कौन मिला होगा? हाँ बोल पिंकी क्या बात करनी है? गिन्नी तू तो यहाँ सबके बारे में सब कुछ जानती होगी ना? हाँ मेरा घर है मुझे तो पता ही होगा ना पिंकी। तो गिन्नी आज से बल्कि अभी से तू मेरी बेस्ट फ्रेंड बनेगी क्या? हैं? है नहीं हाँ बोल गिन्नी, तेरा हाँ बोलना बहुत जरूरी है, तभी तो मेरी आगे की सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। प्रॉब्लम्स? कैसी प्रॉब्लम्स? कौन सी प्रॉब्लम्स? साफ साफ बोलना पिंकी क्या प्रॉब्लम है? वो क्या है ना गिन्नी, अब घर में आना है तो घर के लोगों की पसंद नापसंद ये सब तो मुझे जाननी होगी ना। घर में? किस घर में? इस घर में। इस घर में? हाँ गिन्नी, छज्जे के रास्ते से आंगन में आने वाली हूँ मैं। छज्जा, रास्ता, आंगन, मेरा मतलब है तू दूर से छज्जे पर ही मिलती है ना? तो इसका मतलब है जो मैं सोचूं वो सही है क्या? हाँ मम्मी पापा भी आए हैं बात करने के लिए। तेरे मम्मी पापा बात करने के लिए? ध्रुव को पता है क्या? वो जानते हैं, इन्होंने ही तो बुलवाया है। इन्होंने? पिंकी मतलब अरे लाइए ना मम्मी जी मैं ले लेती हूँ। नहीं बेटा ले ले जाऊंगी, मेरे होते ना आपकी तकलीफ करेंगी। मैं हूं ना लाइए मैं पूरा ले लेती हूँ। ध्रुव पुत्र मैंने अपनी बेटी पिंकी के बारे तुझसे कुछ बात करनी है। अरे कमाल करते हैं आप, मुझे भी आपसे पिंकी के बारे में बात करनी है। हाय मैं ना कहती थी ध्रुव पहले शरारती था और कितना सोना हो गया और समझदार भी, सारी बात खुद ही समझ जाता है। थैंक यू आंटी जी, आप ही तो जो मुझे समझते हो, और मेरे घर का रास्ता आपके घर से ही नहीं आपके दिल से भी निकलता है। इतना प्यारा बच्चा है, इतनी मीठी मीठी बातें करता है। ध्रुव मुझे तुझसे बात करनी है। और मैं अंकल आंटी से बात कर रहा हूँ, वो भी इम्पोर्टेंट है। तुझे बाद में आई हो, पहले तू मेरी बात सुन ले। कहाँ ना बाद में आई हो। अंकल जी मैंने सुना है आप लोग पिंकी के लिए लड़का ढूंढ रहे हो। पुत्र आप शादी तो चड्डा साहब पार्टी साहब मुबारक कुछ खिलाएगा नहीं चड्डा साहब को? हाँ बाबा जी कॉफी पिलाई है। अरे कॉफी तो खाने के बाद पिलाई जाती है, पहले तो ठंडा पिलाया जाता है। नालायक नालायक नहीं जी, बड़ा लायक बेटा है आपका, हमारी बड़ी खातिरदारी की है। बड़े खुशकिस्मत हैं आप कि उसने आपकी खातिर तबाजी की। अब खड़ा क्या है, जाकर के गिनी से जाकर बात कर, मुझे कोई जरूरी बात करनी है। तो अब जाना। अंकल जी आंटी जी मैं बस अभी आया। अरे शर्मा जी एक मिनट, अरे आप भेजिए खाना खाइए पीजिए बनेगा। देखा जी मैं ना कहती थी बड़ा ही चंगा मुंडा है, मुझे लगता है अपनी पिंकी को ये भी पसंद करता है। तभी तो कह रहा था कि पिंकी के बारे में उससे कोई बात करनी है आपसे, वो शादी की बात करनी होगी और क्या। हाँ
मैं तो कहती हूँ आप जाके ना सीधा त्रिपाठी भाई साहब से बात कर लो। ओ हाँ हाँ, तू चिंता मत कर, मौका देखकर मैं बात कर लूंगा। पर कोई अभिषेक नहीं नजर आ रहा। चुप कर जाओ जी, हैं? कुड़ी के रिश्ते की बात करने है, इधर भी लगाने की पड़ी है। ओ यार, बात पहले पक्की कर लेता हूँ, अभिषेक फिर घर पे ही लगा लेते। चल चलो, हर टाइम लगाने की पड़ी रहती है। तेरी प्रॉब्लम क्या है? जब भी किसी से इम्पोर्टेंट बात करो तो बीच में आ जाती है, और आज तो वो मुझे नहीं उठा सके, तूने पापा को भेज दिया। शुक्र मना, सारी बात बताकर नहीं भेजा। सारी बात? कौन सी बात? तू पिंकी की मम्मी पापा से पिंकी की शादी के बारे में बात करने आया था ना। ओए, तू मेरी जासूसी करती है क्या? तुझे कैसे पता? देख, कोई सवाल मत कर, बस मुझे सवाल करने दे, मैं वरना कंफ्यूज हो जाऊंगी। प्लीज बता, तू अभी पिंकी की मम्मी डैडी के साथ अपनी शादी की बात कर रहा था ना? हां, तो पिंकी ने मुझे कहा था कि एक मिनट, क्या बोला तूने? मेरी शादी? पागल हो गई क्या? पागल हुई नहीं हूँ, आई थिंक तू और तेरी पिंकी ने मुझे जरूर पागल कर दोगे। प्लीज रुक, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, बता ना सारी बात क्या है। सारी नहीं, जरा सी बात। पिंकी के पेरेंट्स उसकी कहीं पे शादी करना चाहते हैं, और पिंकी ये करना नहीं चाहती है, इसलिए पिंकी ने मुझे कहा था कि बात करने के लिए, इसलिए मैं बात किया। इडियट, बेवकूफ, डफर, गधे। पिंकी एक समझदार लड़की है, अगर उसको शादी के लिए मना करना ही होता तो अपनी मम्मी पापा से खुद कर सकती थी ना। मुझे क्यों? क्योंकि वो तुझसे शादी करना चाहती है, और वो चाहती है कि तू उसकी मम्मी डैडी से अपनी शादी के बारे में बात करे। तुम क्या बोल रही है? हैं? बिना सोचे समझे कुछ सोचा कर। ये पिंकी ने मुझे खुद ही बताया है। देख, तेरे छज्जे का प्यार तेरे आंगन तक आ गया है, पिंकी अपनी होली वाली सासू माँ के साथ। यार ये तो दिल के बदले सब कुछ ले बेटी, मुझे बचा लेगी नहीं, मैं शादी नहीं करना चाहता, और वो भी पिंकी से। मुझे तो अभी ठीक से प्यार भी नहीं हुआ, और ना ही वो सिग्नल मिला जो तूने बताया था, और ना ही वो दिल की घंटी सुनाई दी है। यार प्लीज मुझे बचा ले, प्लीज कुछ कर, कुछ सोच प्लीज। चल मेरे साथ। हाँ बोलिए जी, क्या बात कर ली? आज का दिन आपके लिए बहुत बड़ा दिन है, सोचा आज बात कर ली जाए। तो बड़े दिन ही बड़ी बातें हो रही है साहब, बोलिए ना। त्रिपाठी जी, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी पिंकी का रिश्ता आपके छोटे बेटे ध्रुव से हो जाए तो कैसा रहेगा? त्रिपाठी साहब, आप हंस क्यों रहे हो? मैंने कोई जोक तो नहीं सुनाया? आपकी बात के लिए जोक से कम भी नहीं थी चेटा साहब। क्या हो गया आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बिल्कुल फर्स्ट क्लास है जी। हाँ फिर ठीक है। अच्छा मजाक कर ना जी। ना मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं एकदम सीरियस बात कर रहा हूँ। सीरियस? हाँ। क्या हो गया आपको चेता साहब? आप मेरे बेटे दक्ष के लिए अगर रिश्ते की बात करते तो ठीक था, लेकिन ध्रुव वो नालायक। अगर आप कोई दूसरा आदमी इस बारे में बात करता तो समझ में आ भी सकती, लेकिन आप तो इतने सालों से हमारे पड़ोसी हैं, आप उसे अच्छे तरीके से जानते हैं, और फिर भी आप अपनी बेटी की शादी उससे करवाना चाहते हैं। अरे वो 2 साल से एक ही क्लास में लग रहा है, कोई कमाई दवाई नहीं करता वो, उसके कपड़े तक मैं सिलवा करके देता हूँ। अरे कुछ बाप दादा की दी हुई प्रॉपर्टी भी नहीं है, किराए के मकान में रहता हूँ मैं। चले साहब, पिंकी जैसी आपकी बेटी है वैसे मैं भी अपनी बेटी मानता हूँ। पता नहीं आप कैसा सोचते हैं, लेकिन मैं उसकी शादी अपने इस नालायक बेटे के साथ करनी होने दूंगा। लेकिन त्रिपाठी साहब वो, अरे चड्डा साहब आप बात भी कर रहे हैं तो मेरे उस नालायक लड़के की, जिसकी बेटा सारी जिंदगी मुझे शर्मिंदगी से अपना सर नहीं चढ़ा। छोड़िए ना, आइए आइए पार्टी के बदले में आइए। जाने दोस्त, उसके साथ जो गई है ना उसे संभाल लेंगे।
नीचे चलते हैं, वो सब सगाई के लिए वेट कर रहे होंगे। साइड में हो जाए।
किसी भी तरीके से मुझे रोहित जीजू को अंगूठी की सच्चाई बतानी ही पड़ेगी।